हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रिलेटिविटी के सम्स कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले हमारे पहले सम की तरफ, जो हमसे कहता है, मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। शो दैट वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल वी बार इज इक्वल टू सी स्क्वेयर बाई ई पी बार एंड मैग्नीट्यूड एज वी इज इक्वल टू डी ई बाई डी पी। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बस हमें ये दो इक्वेशन जो है ये डिराइव करके बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए जैसे हमें मोमेंटम का फॉर्मूला पता है, पी बार इज इक्वल टू एम इंटू वी, मतलब पी जो हमारा मोमेंटम होता है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो इससे हमें वेलोसिटी क्या मिलती है, पी बार अपॉन एम। अब आगे चलते हैं, मैं क्या करूँगी, सी स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देती हूँ। देखिए स्टेप्स बहुत इजी है तो कंफ्यूज मत होइएगा। पी बार सी स्क्वायर अपॉन एम सी स्क्वायर, ओके। अब ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये बहुत फेमस मास एनर्जी रिलेशन है। तो ये ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो यहाँ डिनोमिनेटर में एम सी स्क्वायर है, तो मैं इसको रिप्लेस करूँगी ई से। सो वी बार इज इक्वल टू पी बार सी स्क्वायर अपॉन ई। तो जो हम लोग को फर्स्ट प्रूफ करना था, वी बार इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ई पी बार, वही हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब सेकंड की तरफ चलते हैं, वी इज इक्वल टू डी ई बाई डी पी। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले तो एक ये इक्वेशन है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वेयर सी एस टू फोर। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू इट सेल्फ वी गेट टू ई, इसके लिए आपको डिफ्रेंशिएशन तो आना ही चाहिए, टू ई डी ई बाई डी पी इक्वल टू टू पी सी स्क्वेयर प्लस जीरो, क्योंकि सी हमारा कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, और यहाँ पे एम नॉट जो रेस्ट मास है वो भी कॉन्स्टेंट होता है रेस्ट मास, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, टू ई डी ई बाई डी पी इज इक्वल टू टू पी सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये डी ई बाई डी पी, ये टू टू कैंसिल हो गया, तो पी सी स्क्वायर अपॉन ई, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन देखिए, इसको हम इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं। तो यहाँ पे वी बार इज इक्वल टू सी स्क्वायर पी बार अपॉन ई है, और यहाँ पे भी हमें यही आ रही है वैल्यू, तो मैं इसको वी बार लिख सकती हूँ। तो जो मुझे इक्वेशन मिलेगा वो होगा डी ई बाई डी पी इज इक्वल टू पी बार, दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वी। तो इस तरह से हमने अपना पहला सम सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं दूसरे सम की तरफ। तो सेकेंड सम का क्वेश्चन है, शो दैट मोमेंटम पी इज गिवेन बाई पी सी इज इक्वल टू ई इंटू वन माइनस हाफ इंटू ई नॉट अपॉन ई द होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज फॉर अ पार्टिकल पोजेसिंग अ रेस्ट मास एनर्जी ई नॉट। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो इक्वेशन हमने पहले यूज़ की थी, ये वाली इक्वेशन रिलेटिविस्टिक थ्योरी से मिलती है हमें, ये इक्वेशन को ही हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो लिख लेते हैं, ठीक है। अब फिर से E नॉट इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, तो E नॉट स्क्वायर जो होगा वो होगा एम नॉट स्क्वायर सी रेस टू फोर, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो मैं यहाँ पे E नॉट स्क्वायर रिप्लेस कर सकती हूँ, सो ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ई नॉट स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, मुझे अब स्क्वायर्स हटाने, तो पहले रीअरेंज कर लेते हैं, पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस ई नॉट स्क्वायर, और फिर पी सी इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस ई नॉट स्क्वायर द होल रेस टू हाफ, ठीक है। अब
पी सी इक्वल्स टू ई इंटू, यहाँ से मैं ई कॉमन निकाल रही हूँ, सो वन माइनस ई नॉट अपॉन ई द होल स्क्वायर रेस टू हाफ. ओके, नाउ यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम टू अ गुड अप्रोक्सीमेशन, पी सी इक्वल्स टू ई इंटू वन माइनस हाफ ई नॉट बाई ई द होल स्क्वायर. सो दिस इज वॉट वी हैव वॉन्टेड, वी हैव प्रूव्ड इट. हियर ई नॉट बाई ई इज वेरी लेस देन, वेरी वेरी मच लेस देन वन. ठीक है, सो ये जो हमें प्रूफ करना था, शो दैट द मोमेंटम पी इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, लिख देती हूँ. देयरफॉर पी सी इज इक्वल टू ई इंटू वन बाई दिस हाफ ई नॉट अपॉन ई द होल स्क्वायर. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.